इंडिया में रहने वाले को एवरेज है 70 ईयर्स, मगर फिर भी इंडिया में रहने वाले कौन कब तक जिएगा किसी को नहीं पता, पर फिर भी हम लोग ये वीडियो में पकड़ लेते हैं 70 ईयर्स, 70 साल, पर फिर भी हम लोग क्या गारंटी है कि 70 साल ही जिंदे रहते हैं, 70 साल किसी को भी नहीं पता, मगर फिर भी हम लोग इस वीडियो में सब कुछ बात बताऊंगा, सुन के आपके होश को भी नहीं पता, मगर इस वीडियो में आप बने रहिए, फिर भी आप मान लीजिए 70 साल, एक बच्चे का उम्र होता है कितना, 1 ईयर, 2 ईयर, मिनिमम 20 ईयर, 20 ईयर, 1 ईयर, अगर 20 साल में अगर स्कूल से निकलता है चाहे कॉलेज से निकलता है तो अपना करियर स्टार्ट करता है, अगर करियर स्टार्ट करता है, अगर उसका पढ़ाई हो जाता है तो अपना करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, करियर स्टार्ट करता है, कोई लड़का बिजनेस करता है, कोई लड़का नौकरी करता है, करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, कोई लड़का जॉब करता है, लेकिन मैं 100% और बोल सकता हूँ कि 85% तक नौकरी करते पब्लिक, 85% तक मेरा असूल है कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करना मेरी बात नहीं है, असूल है कि लेकिन नौकरी कितने जान को मैं देखा हूँ कि कोई भी नौकरी से खुश रहता नहीं है, लेकिन नौकरी तो मेरे कहने का मतलब ये है नौकरी ऐसा करो अब नौकरी के साथ साथ आप इंजॉय भी कर सको, मतलब घूम भी सको अच्छा से, अपना घर परिवार के साथ में अच्छा से दिन निकाल सको, टाइम पास कर सको, अपना किसी किसी को मैं इतना देखा हूँ कि दो दो हफ्ते घर पे नहीं आते हैं, तो नौकरी ऐसा होनी चाहिए आपका कि अपने घर के परिवार के साथ में कहीं घूमने जाओ, अच्छा से इंजॉय करो, नौकरी भी करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी कर रहे हो करने ही छोड़ दो, नौकरी भी करो, क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है फिर भी वो नौकरी करने आता है, क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट, नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, बिजनेस स्टार्ट नौकरी, देखिए फिर भी मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ 20 ईयर्स, देखिए फिर भी 20 ईयर्स से स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी वो कर सकते हैं 40 या 45 ईयर्स, राइट, स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा, अगर 45 या 40 में नौकरी कर सकता है, राइट, तो कुछ ऐसा काम करो ना कि मैं नौकरी के साथ साथ ही मैं कुछ और कुछ कर सकूँ, कुछ ऐसा नहीं, कितने जन तो रुक जाते हैं नौकरी के साथ, एक एवरेज अपना 70 ईयर्स जो मैं बोला 70 ईयर्स में आप मान के चलिए, कोई कोई तो 45 50 में ही ऐसा लगता है कि कितने साल के बूढ़े हैं, अब कोई कोई जितना हटा कटा 80-85 रहते तो भी हटा कटा दिखते हैं, क्यों, अब कोई कोई जितना सब अपना दिमाग का खेल है, कोई क्यों नौकरी कोई जॉब या कोई बिजनेस नौकरी एक समान नहीं होता, सब अलग अलग है, बिजनेस नौकरी भी सही है, सही भी है नहीं भी, सब अलग अलग है, 95% नौकरी से कोई भी खुश नहीं रहता है, जॉब से कोई भी खुश नहीं रहता है, 95% ये मेरा असूल है, मुझे ये इतना मैं मेरे हिसाब से पता चलता है असूल, तो आप नौकरी को गलत मत मानिए, बिजनेस भी अच्छा है पर अच्छा जिसके लिए उसके लिए तो अच्छा ही है, अब जो करना है करो, आपके लाइफ है, आप डिसीजन आप ले सकते हो, अब क्या करना चाहते हो आपके हाथ में, आपके लाइफ है, ये तो किसी और को नहीं बात पता चल सकता है ना, या मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है ना, किसी और को नहीं बात, अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे भाई को पता है, मेरे पिताजी को पता है या मेरी मम्मी को पता है, ये तो बोल नहीं सकते ना, तो लाइफ अपने हाथ में होता है, मम्मी को पता है, तो कोशिश करो कि हैप्पीनेस रहने की, अपने हाथ में कोशिश करो घर परिवार के साथ में फैमिली के साथ में दिन काटने के लिए, कोशिश करो खुश रहने के लिए, घर कोशिश करो कि मैं इतना अच्छा से कुछ कर सकूं, कोशिश करो कि बहुत कुछ पाने के लिए, अच्छा से कुछ कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, बहुत ये मेरा असूल है, कोशिश करना अपना काम है, बहुत लाख कोशिश करने के बावजूद भी करने वाला इंसान कर जाता है, नहीं करने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ये सबको पता है, करने वाला इंसान अगर कुछ कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं वो करने वाला रहेगा सब कर जाएगा, अगर नहीं करने वाला है तो टाइम पास वो करते ही रह जाएगा, अगर वो टाइम पास करते करते अगर कुछ और कुछ करना चाहते हो तो बंदा कर सकता है, वो करेगा नहीं, बस बहाने पे बहाने पे बहाने, टालने पे टालने, बस टाइम पास करेगा नहीं, बस बहाने पे, इसलिए बोला जाता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, इसलिए जिंदगी क्या है, कोशिश करने वाले जिंदगी कुछ नहीं है, बस जीने पीने की जिंदगी, कोशिश करने वाले
क्या आप कुछ बनाओगे तो क्या लेके जाओगे क्या, बस हैप्पीनेस रहो ना, खुश रहो ना, क्या आप कुछ बनाओगे तो क्या। भगवान दो पैर देता है चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के लिए पीने के लिए, आँख देता है देखने के लिए चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के, दिमाग देता है सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए। तो सोचो ना, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका, बड़ा कुछ करने आपका लग रहा है, मेरा लग रहा है, सोचो ना। चलिए ज़्यादा वीडियो में बात लग रहा है आपका, करना भी अच्छी बात नहीं है। जय जय भारत। चलिए ज़्यादा खुश रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। जय हिंद जय भारत। जय भारत। चलिए इंडिया में रहने वाले को एवरेज है 70 ईयर्स, मगर फिर भी इंडिया में रहने वाले कौन कब तक जिएगा किसी को नहीं पता, पर फिर भी हम लोग ये वीडियो में पकड़ लेते हैं 70 ईयर्स, 70 साल, पर फिर भी हम लोग क्या गारंटी है कि 70 साल ही जिंदे रहते हैं, 70 साल हो जाते हैं, फिर भी हम किसी को वही नहीं मानते, मगर फिर भी हम लोग वीडियो में ये सब कुछ बात बताऊंगा, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, मगर इस वीडियो में आप बने रहिए। फिर भी मान लीजिए 70 साल, एक बच्चे का उम्र होता है कितना, 1 ईयर, 2 ईयर, मिनिमम एक 20 का उम्र होता है 20 ईयर, 1 ईयर। अगर 20 साल में अगर एक 20 स्कूल से निकलता है चाहे कॉलेज से निकलता है तो अपना करियर स्टार्ट करता है, अगर करियर स्टार्ट करता है, अगर उसका पढ़ाई हो जाता है तो अपना करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, करियर स्टार्ट करता है। कोई लड़का बिजनेस करता है, कोई लड़का नौकरी करता है, करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, कोई लड़का जॉब करता है, कोई लड़का नौकरी करता है। मैं 100% कोई और बोल सकता हूँ कि 85% तक नौकरी करते पब्लिक, 85% तक मेरा असूल है कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करना मेरी बात नहीं है, असूल है कि लेकिन नौकरी कितने जान को मैं देखा हूँ कि कोई भी नौकरी से खुश रहता नहीं है, लेकिन नौकरी तो मेरे कहने का मतलब ये है नौकरी ऐसा करो अब नौकरी के साथ साथ आप इंजॉय भी कर सको, मतलब ये घूम भी सको अच्छा से, अपना घर परिवार के साथ में अच्छा से दिन निकाल सको, टाइम पास कर सको अपना, किसी किसी को मैं इतना देखा हूँ कि दो दो हफ्ते घर पे नहीं आते हैं। नौकरी ऐसा होनी चाहिए आपका कि अपने घर के परिवार के साथ में कहीं घूमने जाओ, अच्छा से एंजॉय करो, नौकरी भी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी कर रहे हो करना ही छोड़ दो, नौकरी भी करो, क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट करता है अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है फिर भी वो नौकरी करने आता है, क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट, नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बिजनेस स्टार्ट नौकरी, देखिए फिर भी मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ 20 ईयर्स, देखिए फिर भी 20 ईयर्स से स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी वो कर सकते हैं 40 या 45 ईयर्स, राइट, स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा, अगर 45 या 40 में नौकरी कर सकता है, राइट, तो कुछ ऐसा काम करो ना कि मैं नौकरी के साथ साथ ही मैं कुछ और कुछ कर सकूँ, कुछ ऐसा नहीं, कितने जन तो रुक जाते हैं मैं नौकरी के साथ, एक एवरेज अगर 70 ईयर्स जो मैं बोला 70 ईयर्स में आप मान के चलिए, कोई कोई तो 45-50 में ऐसा लगता है कि कितने साल के बूढ़े हैं, अब कोई कोई जितना हटा कटा 80-85 रहते तो भी आटा सारा दिखते हैं, क्यों, अब कोई कोई जितना सब अपना दिमाग का खेल है, कोई क्यों नौकरी कोई जॉब या कोई बिजनेस, क्यों नौकरी एक समान नहीं होता, सब अलग अलग बिजनेस, नौकरी भी सही है, सही भी है नहीं भी है, सब अलग अलग 95% नौकरी से कोई भी खुश नहीं रहता है, जॉब से कोई भी खुश नहीं रहता है, 95% ये मेरा असूल रहता है, मुझे ये इतना मैं मेरे हिसाब से पता चलता है असूल। तो आप नौकरी को गलत मत मानिए, बिजनेस भी अच्छा है, पर अच्छा जिसके लिए उसके लिए तो अच्छा ही है, अब जो करना है करो, आपके लाइफ है, आप डिसीजन आप ले सकते हो, अब क्या करना चाहते हो आपके हाथ में, आपके लाइफ है, ये तो किसी और को नहीं बात पता सकते हो, पता चल सकता है ना, या मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है ना, किसी और को नहीं बात, अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे भाई को पता है, मेरे पिताजी को पता है, या मेरी मम्मी को पता है, ये तो बोल नहीं सकते ना, तो लाइफ अपने हाथ में होता है, तो कोशिश करो कि हैप्पीनेस रहने की, कोशिश करो घर परिवार के साथ में फैमिली के साथ में दिन काटने के लिए, कोशिश करो खुश रहने के लिए, घर कोशिश करो कि मैं इतना अच्छा से कुछ कर सकूं, कोशिश करो कि बहुत कुछ पाने के लिए, कुछ कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, बहुत ये मेरा असूल है, कोशिश करना अपना काम है, बहुत
लाख कोशिश करने के बावजूद भी करने वाला इंसान कर जाता है, नहीं करने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ये सबको पता है। करने वाला अगर कुछ कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं वो करने वाला रहेगा, ये सब कर जाएगा। अगर नहीं करने वाला तो टाइम पास वो करते ही रह जाएगा। अगर वो टाइम पास करते करते अगर कुछ और कुछ करना चाहते हो तो बंदा कर सकता है, वो करेगा नहीं, बस बहाने पे बहाने पे बहाने, टालने पे टालने, बस टाइम पास करेगा नहीं, बस बहाने पे बहाने। इसलिए बोला जाता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। इसलिए जिंदगी क्या है, कोशिश करने वाले जिंदगी कुछ नहीं है, बस जीने पीने की है जिंदगी। क्या कुछ बनाओगे या लेके जाओगे क्या, बस हैप्पीनेस रहो ना, खुश रहो ना। क्या कुछ बनाओगे या भगवान दो पैर देता है चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के लिए पीने के लिए, आँख देता है देखने के लिए चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के, दिमाग देता है सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए। तो सोचो ना, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका, बड़ा कुछ करने आपका लग रहा है, मेरा लग रहा है, सोचो ना। चलिए ज्यादा वीडियो में बात लग रहा है आपका, करना भी अच्छी बात नहीं है। जय जय भारत। चलिए ज्यादा खुश रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। चलिए। इंडिया में रहने वाले को एवरेज है 70 इयर्स, मगर फिर भी इंडिया में रहने वाले कौन कब तक जिएगा किसी को नहीं पता, पर फिर भी हम लोग ये वीडियो में पकड़ लेते हैं 70 इयर्स, 70 साल, पर फिर भी हम लोग क्या गारंटी है कि 70 साल ही जिंदे रहते हैं, 70 साल हो जाते हैं, फिर भी हम किसी को भी नहीं मानते, मगर फिर भी हम लोग वीडियो में सब कुछ बात बताऊंगा, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, मगर इस वीडियो में आप बने रहिए। फिर भी आप मान लीजिए 70 साल, एक बच्चे का उम्र होता है कितना, 1 ईयर, 2 ईयर, मिनिमम 20 ईयर, 20 ईयर, 1 ईयर। अगर 20 साल में अगर इस स्कूल से निकलता है चाहे कॉलेज से निकलता है तो अपना करियर स्टार्ट करता है, अगर करियर स्टार्ट करता है, अगर उसका पढ़ाई हो जाता है तो अपना करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, करियर स्टार्ट करता है। कोई लड़का बिजनेस करता है, कोई लड़का नौकरी करता है, करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, कोई लड़का जॉब करता है, लेकिन मैं 100% और बोल सकता हूँ कि 85% तक नौकरी करते पब्लिक, 85% तक। मेरा असूल है कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करना मेरी बात नहीं है, असूल है कि लेकिन नौकरी कितने जान को मैं देखा हूँ कि कोई भी नौकरी से खुश रहता नहीं है, लेकिन नौकरी तो मेरे कहने का मतलब ये है नौकरी ऐसा करो आप नौकरी के साथ साथ आप इंजॉय भी कर सको, मतलब घूम भी सको अच्छा से, अपना घर परिवार के साथ में अच्छा से दिन निकाल सको, टाइम पास कर सको अपना किसी किसी को। मैं इतना देखा हूँ कि दो दो हफ्ते घर पे नहीं आते हैं, तो नौकरी ऐसा होनी चाहिए आपका कि अपने घर के परिवार के साथ में कहीं घूमने जाओ, अच्छा से इंजॉय करो, नौकरी भी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी कर रहे हो करना ही छोड़ दो, नौकरी भी करो, क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है फिर भी वो नौकरी ही करने आता है, क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट, नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बिजनेस स्टार्ट नौकरी, देखिए फिर भी मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ 20 इयर्स, देखिए फिर भी
20 ईयर्स से स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी वो कर सकते हैं 40 या 45 ईयर्स राइट स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा अगर 45 या 40 में नौकरी कर सकता है राइट तो कुछ ऐसा काम करो ना कि मैं नौकरी के साथ साथ ही मैं कुछ और कुछ कर सकूँ नहीं कितने जन तो रुक जाते हैं नौकरी के साथ एक एवरेज अगर 70 ईयर्स जो मैं बोला 70 ईयर्स में आप मान के चलिए कोई कोई तो 45 50 में ही ऐसा लगता है कि कितने साल के बूढ़े हैं अब कोई कोई जितना हटा कटा 80-85 रहते तो भी हटा कटा दिखते हैं क्यों अब कोई कोई जितना सब अपना दिमाग का खेल है कोई क्यों नौकरी कोई जॉब या कोई बिजनेस नौकरी एक समान नहीं होता सब अलग अलग बिजनेस नौकरी भी सही भी है नहीं भी सब अलग अलग 95% नौकरी से कोई भी खुश नहीं रहता है जॉब से कोई भी खुश नहीं रहता है ये मेरा असूल है मुझे ये इतना मैं मेरे हिसाब से पता चलता है असूल तो आप नौकरी को गलत मत मानिए बिजनेस भी अच्छा है पर अच्छा जिसके लिए उसके लिए तो अच्छा ही है अब जो करना है करो आपके लाइफ है आप डिसीजन आप ले सकते हो अब क्या करना चाहते हो आपके हाथ में आपके लाइफ है ये तो किसी और को नहीं बात पता सकते पता चल सकता है ना या मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है ना किसी और को नहीं बात अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे भाई को पता है मेरे पिताजी को पता है या मेरी मम्मी को पता है ये तो बोल नहीं सकते ना तो लाइफ अपने हाथ में होता है तो कोशिश करो कि हैप्पीनेस रहने की कोशिश करो घर परिवार के साथ में फैमिली के साथ में दिन काटने के लिए कोशिश करो खुश रहने के लिए घर कोशिश करो कि मैं इतना अच्छा से कुछ कर सकूं कोशिश करो कि बहुत कुछ पाने के लिए कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है बहुत ये मेरा असूल है कोशिश करना अपना काम है लाख कोशिश करने के बावजूद भी करने वाला इंसान कर जाता है नहीं करने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता है ये सबको पता है करने वाला अगर कुछ कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं वो करने वाला रहेगा सब कर जाएगा अगर नहीं करने वाला है तो टाइम पास वो करते ही रह जाएगा अगर वो टाइम पास करते करते अगर कुछ और कुछ करना चाहते हो तो बंदा कर सकता है वो करेगा नहीं बस बहाने पे बहाने पे बहाने टालने पे टालने बस टाइम पास करेगा बस बहाने पे इसलिए बोला जाता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती इसलिए जिंदगी क्या है कोशिश करने वाले जिंदगी कुछ नहीं है बस जीने पीने की है जिंदगी कोशिश करने वाले क्या कुछ बनाओगे या लेके जाओगे क्या बस हैप्पीनेस रहो ना खुश रहो ना क्या कुछ बनाओगे या भगवान दो पैर देता है चलने के लिए दो हाथ देता है खाने के लिए पीने के लिए आँख देता है देखने के लिए चलने के लिए दो हाथ देता है खाने के दिमाग देता है सोचने के लिए बड़ा कुछ करने के लिए तो सोचो ना सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका बड़ा कुछ करने आपका लग रहा है मेरा लग रहा है सोचो ना चलिए ज़्यादा वीडियो में पास लग रहा है आपका करना भी अच्छी बात नहीं है जय जय भारत चलिए ज़्यादा खुश रहो हमें सपोर्ट करते रहो जय हिंद जय भारत जय भारत चलिए इंडिया में रहने वाले को एवरेज है 70 इयर्स मगर फिर भी इंडिया में रहने वाले कौन कब तक जिएगा किसी को नहीं पता
पर फिर भी हम लोग ये वीडियो में पकड़ लेते हैं 70 साल, पर फिर भी हम लोग क्या गारंटी है कि 70 साल ही जिंदे रहते हैं, 70 से हो जाते, किसी को वही नहीं मानते। मगर फिर भी हम लोग वीडियो में ऐसा कुछ बात बताऊंगा सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। मगर इस वीडियो में आप बने रहिए, फिर भी आप मान लीजिए 70 साल, एक बच्चे का उम्र होता है कितना, 1 ईयर, 2 ईयर, मिनिमम 20 ईयर, 20 ईयर, 1 ईयर। अगर 20 साल में अगर इस स्कूल से निकलता है चाहे कॉलेज से निकलता है तो अपना करियर स्टार्ट करता है, अगर करियर स्टार्ट करता है अगर उसका पढ़ाई हो जाता है तो अपना करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, करियर स्टार्ट करता है। कोई लड़का बिजनेस करता है, कोई लड़का नौकरी करता है, करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, कोई लड़का जॉब करता है। देखिए मैं 100% कोई और बोल सकता हूँ कि 85-80% तक नौकरी करते हैं पब्लिक, 85% तक। मेरा असूल है कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करना मेरी बात नहीं है, असूल है कि लेकिन नौकरी कितने जान को मैं देखा हूँ कि कोई भी नौकरी से खुश रहता नहीं है, लेकिन नौकरी तो मेरे कहने का मतलब ये है नौकरी ऐसा करो अब नौकरी के साथ साथ आप एंजॉय भी कर सको, मतलब घूम भी सको अच्छा से, अपना घर परिवार के साथ में अच्छा से दिन निकाल सको, टाइम पास कर सको अपना। किसी किसी को मैं इतना देखा हूँ कि 2-2 हफ्ते घर पे नहीं आते हैं, तो नौकरी ऐसा होनी चाहिए आपका कि अपने घर के परिवार के साथ में कहीं घूमने जाओ, अच्छा से एंजॉय करो, नौकरी भी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी कर रहे हो करने ही छोड़ दो, नौकरी भी करो, क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है फिर भी वो नौकरी ही करने आता है, क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट, नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बिजनेस स्टार्ट नौकरी, देखिए फिर भी मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ 20 ईयर्स, देखिए फिर भी 20 ईयर्स से स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी वो कर सकते हैं 40 या 45 ईयर्स, राइट, स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा, अगर 45 या 40 में नौकरी कर सकता है राइट, तो कुछ ऐसा काम करो ना कि मैं नौकरी के साथ साथ ही मैं कुछ और कुछ कर सकूँ, कुछ ऐसा नहीं, कितने जन तो रुक जाते हैं मैं नौकरी के साथ। एक एवरेज अगर 70 ईयर्स जो मैं बोला 70 ईयर्स में आप मान के चलिए, कोई कोई तो 45-50 में ही ऐसा लगते हैं कि कितने साल के बूढ़े हैं, अब कोई कोई जितना हटा कटा के 80-85 रहते तो भी आटा सारा दिखते हैं, क्यों, अब कोई कोई जितना सब अपना दिमाग का खेले तो भी आटा सारा, कोई क्यों नौकरी कोई जॉब या कोई बिजनेस नौकरी एक समान नहीं होता, सब अलग अलग है, बिजनेस नौकरी भी सही है, सही भी है नहीं भी, सब अलग अलग है। 95% नौकरी से कोई भी खुश नहीं रहता है, जॉब से कोई भी खुश नहीं रहता है, 95% ये मेरा असूल रहता है, मुझे ये इतना मैं मेरे हिसाब से पता चलता है असूल। तो आप नौकरी को गलत मत मानिए, बिजनेस भी अच्छा है पर अच्छा जिसके लिए उसके लिए तो अच्छा ही है, अब जो करना है करो, आपके लाइफ है, आप डिसीजन आप ले सकते हो, अब क्या करना चाहते हो आपके हाथ में, आपके लाइफ है ये तो किसी और को नहीं बात पता सकते हो, पता चल सकता है ना, या मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है ना, किसी और को नहीं बात, अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे भाई को पता है, मेरे पिताजी को पता है या मेरी मम्मी को पता है, ये तो बोल नहीं सकते ना, तो लाइफ अपने हाथ में होता है, तो कोशिश करो कि हैप्पीनेस रहने की, कोशिश करो घर परिवार के साथ में फैमिली के साथ में दिन काटने के लिए, कोशिश करो खुश रहने के लिए घर, कोशिश करो कि मैं इतना अच्छा से कुछ कर सकूं, कोशिश करो कि बहुत कुछ पाने के लिए, कुछ कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, बहुत ये मेरा असूल है, कोशिश करना अपना काम है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी करने वाला इंसान कर जाता है, नहीं करने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ये सबको पता है, करने वाला अगर कुछ कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं वो करने वाला रहेगा सब कर जाएगा, अगर नहीं करने वाला है तो टाइम पास वो करते ही रह जाएगा, अगर वो टाइम पास करते करते अगर कुछ और कुछ करना चाहते हो तो बंदा कर सकता है, वो करेगा नहीं, बस बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, टालने पे टालने, बस टाइम पास करेगा बस बहाने पे, इसलिए बोला जाता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, इसलिए जिंदगी क्या है, कोशिश करने वाले जिंदगी कुछ नहीं है, बस जीने पीने की है जिंदगी, कोशिश करने वाले क्या कुछ बनाओगे क्या लेके जाओगे क्या, बस हैप्पीनेस रहो ना, खुश रहो ना,
क्या कुछ बनाओगे तो क्या भगवान दो पैर देता है चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के लिए पीने के लिए, आँख देता है देखने के लिए चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के, दिमाग देता है सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए। तो सोचो ना, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका? बड़ा कुछ करने आपका लग रहा है, मेरा लग रहा है? सोचो ना। चलिए, ज्यादा वीडियो में बात लग रहा है आपका, करना भी अच्छी बात नहीं है। जय जय भारत। चलिए, ज्यादा खुश रहो, बात लग रहा है आपका, हमें सपोर्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। चलिए। इंडिया में रहने वाले को एवरेज है 70 इयर्स, मगर फिर भी इंडिया में रहने वाले कौन कब तक जिएगा किसी को नहीं पता, पर फिर भी हम लोग ये वीडियो में पकड़ लेते हैं एवरेज 70 इयर्स, 70 साल। पर फिर भी हम लोग क्या गारंटी है कि 70 साल ही जिंदे रहते हैं, 70 से हो जाते किसी को वही नहीं पता, मगर फिर भी हम लोग इस वीडियो में सब कुछ बात बताऊंगा, सुन के आपके होश को वही नहीं, मगर इस वीडियो में आप बने रहिए। फिर भी मान लीजिए 70 साल, एक बच्चे का उम्र होता है कितना? 1 ईयर, 2 ईयर, मिनिमम 20 ईयर, 20 ईयर, 1 ईयर। अगर 20 साल में अगर एक 20 स्कूल से निकलता है, चाहे कॉलेज से निकलता है, तो अपना करियर स्टार्ट करता है, अगर करियर स्टार्ट करता है, अगर उसका पढ़ाई हो जाता है, तो अपना करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, करियर स्टार्ट करता है। कोई लड़का बिजनेस करता है, कोई लड़का नौकरी करता है, करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, कोई लड़का जॉब करता है। लेकिन मैं 100% और बोल सकता हूँ कि 85-80% तक नौकरी करते हैं पब्लिक, 85% तक। मेरा असूल है कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करना मेरी बात नहीं है, असूल है कि नौकरी, लेकिन नौकरी कितने जान को मैं देखा हूँ कि कोई भी नौकरी से खुश रहता नहीं है, लेकिन नौकरी, तो मेरे कहने का मतलब ये है नौकरी ऐसा करो, अब नौकरी के साथ साथ आप इंजॉय भी कर सको, मतलब ये घूम भी सको अच्छा से, अपना घर परिवार के साथ में अच्छा से दिन निकाल सको, टाइम पास कर सको अपना, किसी किसी को मैं इतना देखा हूँ कि दो दो हफ्ते घर पे नहीं आते हैं। नौकरी ऐसा होनी चाहिए आपका कि अपने घर के परिवार के साथ में कहीं घूमने जाओ, अच्छा से एंजॉय करो, नौकरी भी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी कर रहे हो करने ही छोड़ दो, नौकरी भी करो, क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट करता है अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है फिर भी वो नौकरी करने आता है, क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट, तो नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बिजनेस स्टार्ट नौकरी, लेकिन फिर भी मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ 20 ईयर्स, क्योंकि फिर भी 20 ईयर्स से स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी वो कर सकते हैं 40 या 45 ईयर्स, राइट? स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा, अगर 45 या 40 में नौकरी कर सकता है, राइट? तो कुछ ऐसा काम करो ना कि मैं नौकरी के साथ साथ ही मैं कुछ और कुछ कर सकूँ, कुछ ऐसा नहीं, कितने जन तो रुक जाते हैं नौकरी के साथ। एक एवरेज अगर 70 ईयर्स जो मैं बोला, 70 ईयर्स में आप मान के चलिए, कोई कोई तो 45-50 में ही ऐसा लगता है कि कितने साल के बूढ़े हैं, अब कोई कोई जितना हटा कटर के 80-85 रहते तो भी आटा सारा दिखते हैं, क्यों? अब कोई कोई जितना सब अपना दिमाग का खेल है, तो भी आटा सारा, कोई क्यों नौकरी, कोई जॉब या कोई बिजनेस, क्यों नौकरी एक समान नहीं होता, सब अलग अलग,
बिजनेस, नौकरी भी सही है, सही भी है, नहीं भी है। 95% नौकरी से कोई भी खुश नहीं रहता है, जॉब से कोई भी खुश नहीं रहता है। ये मेरा असूल है, मुझे ये इतना मैं मेरे हिसाब से पता चलता है असूल। तो आप नौकरी को गलत मत मानिए, बिजनेस भी अच्छा है, पर अच्छा जिसके लिए उसके लिए तो अच्छा ही है। अब जो करना है करो, आपके लाइफ है, आप डिसीजन आप ले सकते हो। अब क्या करना चाहते हो आपके हाथ में, आपके लाइफ है, ये तो किसी और को नहीं बात पता सकते हो, पता चल सकता है ना, या मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है ना, किसी और को नहीं बात। अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे भाई को पता है, मेरे पिताजी को पता है, या मेरी मम्मी को पता है, ये तो बोल नहीं सकते ना। तो लाइफ अपने हाथ में होता है, तो कोशिश करो कि हैप्पीनेस रहने की, कोशिश करो घर परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में दिन काटने के लिए, कोशिश करो खुश रहने के लिए, घर कोशिश करो कि मैं इतना अच्छा से कुछ कर सकूं, कोशिश करो कि बहुत कुछ पाने के लिए। कुछ कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, बहुत ये मेरा असूल है। कोशिश करना अपना काम है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी करने वाला इंसान कर जाता है, नहीं करने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ये सबको पता है। अगर कुछ कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं वो करने वाला रहेगा, डर जाएगा। अगर नहीं करने वाला है तो टाइम पास वो करते ही रह जाएगा। अगर वो टाइम पास करते करते अगर कुछ और कुछ करना चाहते हो तो बंदा कर सकता है, वो करेगा नहीं, बस बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, टालने पे टालने, बस टाइम पास करेगा नहीं, बस बहाने पे। इसलिए बोला जाता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। इसलिए जिंदगी क्या है, कोशिश करने वाले जिंदगी कुछ नहीं है, बस जीने पीने की है जिंदगी। क्या कुछ बनाओगे या लेके जाओगे क्या, बस हैप्पीनेस रहो ना, खुश रहो ना। क्या कुछ बनाओगे या भगवान दो पैर देता है चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के लिए पीने के लिए, आँख देता है देखने के लिए चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के, दिमाग देता है सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए। तो सोचो ना, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका, बड़ा कुछ करने आपका लग रहा है, मेरे लग रहा है, सोचो ना। चलिए ज्यादा वीडियो में बात लग रहा है आपका, करना भी अच्छी बात नहीं है। जय हिंद जय भारत, चलिए ज्यादा खुश रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। जय हिंद जय भारत, जय भारत। चलिए। इंडिया में रहने वाले को एवरेज है 70 इयर्स, मगर फिर भी इंडिया में रहने वाले कौन कब तक जिएगा किसी को नहीं पता, पर फिर भी हम लोग ये वीडियो में पकड़ लेते हैं एवरेज 70 इयर्स, 70 साल। पर फिर भी हम लोग क्या गारंटी है कि 70 साल ही जिंदे रहते हैं, 70 से हो जाते हैं, किसी को भी नहीं पता। मगर फिर भी हम लोग इस वीडियो में सब कुछ बात बताऊंगा, सुन के आपके होश को भी नहीं पता। मगर इस वीडियो में आप बने रहिए, फिर भी आप मान लीजिए 70 साल। एक बच्चे का उम्र होता है कितना, 1 ईयर, 2 ईयर, मिनिमम 20 ईयर, 20 ईयर, 1 ईयर। अगर 20 साल में अगर स्कूल से निकलता है, चाहे कॉलेज से निकलता है, तो अपना करियर स्टार्ट करता है। अगर
करियर स्टार्ट करता है, अगर उसका पढ़ाई हो जाता है तो अपना करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है। करियर स्टार्ट करता है, कोई लड़का बिजनेस करता है, कोई लड़का नौकरी करता है, करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, कोई लड़का जॉब करता है, लेकिन मैं 100% कोई और बोल सकता हूँ कि 85-80% तक नौकरी करते पब्लिक, 85% तक। मेरा असूल है कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करना मेरी बात नहीं है, असूल है कि नौकरी, लेकिन नौकरी कितने जान को मैं देखा हूँ कि कोई भी नौकरी से खुश रहता नहीं है, लेकिन नौकरी तो मेरे कहने का मतलब ये है नौकरी ऐसा करो अब नौकरी के साथ साथ आप एंजॉय भी कर सको, मतलब घूम भी सको अच्छा से, अपना घर परिवार के साथ में अच्छा से दिन निकाल सको, टाइम पास कर सको अपना। किसी किसी को तो मैं इतना देखा हूँ कि दो दो हफ्ते घर पे नहीं आते हैं। नौकरी ऐसा होनी चाहिए आपका कि अपने घर के परिवार के साथ में कहीं घूमने जाओ, अच्छा से एंजॉय करो, नौकरी भी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी कर रहे हो करना ही छोड़ दो, नौकरी भी करो, क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट करता है अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है फिर भी वो नौकरी करने आता है, क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट, नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बिजनेस स्टार्ट नौकरी, देखिए फिर भी मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ 20 ईयर्स, देखिए फिर भी 20 ईयर्स से स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी वो कर सकते हैं 40 या 45 ईयर्स, राइट, स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा, अगर 45 या 40 में नौकरी कर सकता है राइट, तो कुछ ऐसा काम करो ना कि मैं नौकरी के साथ साथ ही मैं कुछ और कुछ कर सकूँ, कुछ ऐसा नहीं, कितने जन तो रुक जाते हैं मैं नौकरी के साथ, एक एवरेज अपना 70 ईयर्स जो मैं बोला 70 ईयर्स में आप मान के चलिए, कोई कोई तो 45-50 में ही ऐसा लगते है कि कितने साल के बूढ़े हैं, अब कोई कोई जितना हटा कटर 80-85 रहते तो भी हटा कटा दिखते हैं, क्यों, अब कोई कोई जितना सब अपना दिमाग का खेल है, कोई क्यों नौकरी कोई जॉब या कोई बिजनेस, नौकरी एक समान नहीं होता, जॉब सब अलग अलग है, बिजनेस नौकरी भी सही है, सही भी है नहीं भी सब अलग अलग है। 95% नौकरी से कोई भी खुश नहीं रहता है, जॉब से कोई भी खुश नहीं रहता है, 95% ये मेरा असूल है, मुझे ये इतना मैं मेरे हिसाब से पता चलता है असूल। तो आप नौकरी को गलत मत मानिए, बिजनेस भी अच्छा है पर अच्छा जिसके लिए उसके लिए तो अच्छा ही है, अब जो करना है करो, आपके लाइफ है, आप डिसीजन आप ले सकते हो, अब क्या करना चाहते हो आपके हाथ में, आपके लाइफ है ये तो किसी और को नहीं बात पता चल पता चल सकता है ना, या मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है ना, किसी और को नहीं बात, अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे भाई को पता है, मेरे पिताजी को पता है या मेरी मम्मी को पता है, ये तो बोल नहीं सकते ना, तो लाइफ अपने हाथ में होता है, मम्मी को पता है, तो कोशिश करो कि हैप्पीनेस रहने की, कोशिश करो घर परिवार के साथ में फैमिली के साथ में दिन काटने के लिए, कोशिश करो खुश रहने के लिए, घर कोशिश करो कि मैं इतना अच्छा से कुछ कर सकूं, कोशिश करो कि बहुत कुछ पाने के लिए, अच्छा से कुछ कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, बहुत ये मेरा असूल है, कोशिश करना अपना काम है, बहुत लाख कोशिश करने के बावजूद भी करने वाला इंसान कर जाता है, नहीं करने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ये सबको पता है, करने वाला इंसान अगर कुछ कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं वो करने वाला रहेगा डर जाएगा, अगर नहीं करने वाला है तो टाइम पास वो करते ही रह जाएगा, अगर वो टाइम पास करते करते अगर कुछ और कुछ करना चाहते हो तो बंदा कर सकता है, वो करेगा नहीं, बस बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, टालने पे टालने, बस टाइम पास करेगा नहीं, बस बहाने पे, इसलिए बोला जाता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, इसलिए जिंदगी क्या है, कोशिश करने वाले जिंदगी कुछ नहीं है, बस जीने पीने की है जिंदगी, कोशिश करने वाले क्या कुछ बनाओगे तो क्या लेके जाओगे क्या, बस हैप्पीनेस रहो ना, खुश रहो ना, क्या कुछ बनाओगे तो क्या, भगवान दो पैर देता है चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के लिए पीने के लिए, आँख देता है देखने के लिए चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के, दिमाग देता है सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए, तो सोचो ना, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका, बड़ा कुछ करने आपका लग रहा है, मेरे को लग रहा है, सोचो ना, चलिए ज़्यादा वीडियो में पास लग रहा है आपका, करना भी अच्छी बात नहीं है, जय जय भारत, चलिए ज़्यादा खुश रहो, हमें सपोर्ट करते रहो, जय हिंद जय भारत, जय भारत, चलिए।
इंडिया में रहने वाले को एवरेज है 70 ईयर्स, मगर फिर भी इंडिया में रहने वाले कौन कब तक जिएगा किसी को नहीं पता, पर फिर भी हम लोग ये वीडियो में पकड़ लेते हैं एवरेज 70 ईयर्स, 70 साल, पर फिर भी हम लोग क्या गारंटी है कि 70 साल ही जिंदे रहते हैं, 70 साल हो जाते हैं किसी को भी नहीं पता, मगर फिर भी हम लोग इस वीडियो में सब कुछ बात बताऊंगा सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, मगर इस वीडियो में आप बने रहिए, फिर भी मान लीजिए 70 साल, एक बच्चे का उम्र होता है कितना, 1 ईयर, 2 ईयर, मिनिमम 20 ईयर, 20 ईयर, 1 ईयर, अगर 20 साल में अगर बीस स्कूल से निकलता है चाहे कॉलेज से निकलता है तो अपना करियर स्टार्ट करता है, अगर करियर स्टार्ट करता है अगर उसका पढ़ाई हो जाता है तो अपना करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, करियर स्टार्ट करता है, कोई लड़का बिजनेस करता है, कोई लड़का नौकरी करता है, करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, कोई लड़का जॉब करता है, कोई लड़का नौकरी करता है, मैं 100% और बोल सकता हूँ कि 85-80% तक और नौकरी करते हैं पब्लिक, 85% तक मेरा असूल है कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करना मेरी बात नहीं है, असूल है कि लेकिन नौकरी कितने जान को मैं देखा हूँ कि कोई भी नौकरी से खुश रहता नहीं है, लेकिन नौकरी तो मेरे कहने का मतलब ये है नौकरी ऐसा करो अब नौकरी के साथ साथ आप एंजॉय भी कर सको, मतलब घूम भी सको अच्छा से, अपना घर परिवार के साथ में अच्छा से दिन निकाल सको, टाइम पास कर सको, अपना किसी किसी को मैं इतना देखा हूँ कि दो दो हफ्ते घर पे नहीं आते हैं, नौकरी ऐसा होनी चाहिए आपका कि अपने घर के परिवार के साथ में कहीं घूमने जाओ, अच्छा से एंजॉय करो, नौकरी भी करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी कर रहे हो करना ही छोड़ दो, नौकरी भी करो, क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट करता है अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है फिर भी वो नौकरी करने आता है, क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट, नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, बिजनेस स्टार्ट नौकरी, देखिए फिर भी मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ 20 ईयर्स, क्योंकि फिर भी 20 ईयर्स से स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी वो कर सकते हैं 40 या 45 ईयर्स, राइट, स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा, अगर 45 या 40 में नौकरी कर सकता है राइट, तो कुछ ऐसा काम करो ना कि मैं नौकरी के साथ साथ ही मैं कुछ और कुछ कर सकूँ, कुछ ऐसा नहीं, कितने जन तो रुक जाते हैं नौकरी के साथ, एक एवरेज अगर 70 ईयर्स जो मैं बोला 70 ईयर्स में आप मान के चलिए, कोई कोई तो 45-50 में ही ऐसा लगता है कि कितने साल के बूढ़े हैं, अब कोई कोई जितना हटक हटक 80-85 रहते तो भी अटक अटक दिखते हैं, क्यों, अब कोई कोई जितना सब अपना दिमाग का खेल है, कोई क्यों नौकरी कोई जॉब या कोई बिजनेस नौकरी एक समान नहीं होता, सब अलग अलग है, बिजनेस नौकरी भी सही है, सही भी है नहीं भी सब अलग अलग है, 95% नौकरी से कोई भी खुश नहीं रहता है, जॉब से कोई भी खुश नहीं रहता है, 95% ये मेरा असूल है, मुझे ये इतना मैं मेरे हिसाब से पता चलता है असूल, तो आप नौकरी को गलत मत मानिए, बिजनेस भी अच्छा है पर अच्छा जिसके लिए उसके लिए तो अच्छा ही है, अब जो करना है करो, आपके लाइफ है, आप डिसीजन आप ले सकते हो, अब क्या करना चाहते हो आपके हाथ में, आपके लाइफ है ये तो किसी और को नहीं बात पता सकते हो, पता चल सकता है ना, या मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है ना, किसी और को नहीं बात, अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे भाई को पता है, मेरे पिताजी को पता है या मेरी मम्मी को पता है, ये तो बोल नहीं सकते ना, तो लाइफ अपने हाथ में होता है, मम्मी को पता है, तो कोशिश करो कि हैप्पीनेस रहने की, कोशिश करो घर परिवार के साथ में फैमिली के साथ में दिन काटने के लिए, कोशिश करो खुश रहने के लिए, घर कोशिश करो कि मैं इतना अच्छा से कुछ कर सकूं, कोशिश करो कि बहुत कुछ पाने के लिए, अच्छा से कुछ कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, बहुत ये मेरा असूल है, कोशिश करना अपना काम है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी करने वाला इंसान कर जाता है, नहीं करने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ये सबको पता है, करने वाला अगर कुछ कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं वो करने वाला रहेगा डर जाएगा, अगर नहीं करने वाला है तो टाइम पास वो करते ही रह जाएगा, अगर वो टाइम पास करते करते अगर कुछ और कुछ करना चाहते हो तो बंदा कर सकता है, वो करेगा नहीं, बस बहाने पे बहाने पे बहाने, टालने पे टालने, बस टाइम पास करेगा नहीं, बस बहाने पे, इसलिए बोला जाता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, इसलिए जिंदगी क्या है, कोशिश करने वाले जिंदगी कुछ नहीं है, बस जीने पीने की है जिंदगी, कोशिश करने वाले
क्या आप कुछ बनाओगे तो क्या लेके जाओगे क्या? बस हैप्पीनेस रहो ना, खुश रहो ना। क्या आप कुछ बनाओगे तो क्या? भगवान दो पैर देता है चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के लिए पीने के लिए, आँख देता है देखने के लिए चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के, दिमाग देता है सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए। तो सोचो ना, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका? बड़ा कुछ करने आपका लग रहा है, मेरा लग रहा है। सोचो ना, चलिए ज्यादा वीडियो में बात लग रहा है आपका, करना भी अच्छी बात नहीं है। जय जय भारत। चलिए ज्यादा खुश रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। चलिए। इंडिया में रहने वाले को एवरेज है 70 इयर्स, मगर फिर भी इंडिया में रहने वाले कौन कब तक जिएगा किसी को नहीं पता, पर फिर भी हम लोग ये वीडियो में पकड़ लेते हैं एवरेज 70 इयर्स, 70 साल। पर फिर भी हम लोग क्या गारंटी है कि 70 साल ही जिंदे रहते हैं, 70 साल किसी को वही नहीं पता, मगर फिर भी हम लोग वीडियो में सब कुछ बात बताऊंगा, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, मगर इस वीडियो में आप बने रहिए। फिर भी आप मान लीजिए 70 साल, एक बच्चे का उम्र होता है कितना? 1 ईयर, 2 ईयर, मिनिमम 20 ईयर, 20 ईयर, 1 ईयर। अगर 20 साल में अगर एक स्कूल से निकलता है चाहे कॉलेज से निकलता है तो अपना करियर स्टार्ट करता है, अगर करियर स्टार्ट करता है, अगर उसका पढ़ाई हो जाता है तो अपना करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, करियर स्टार्ट करता है। कोई लड़का बिजनेस करता है, कोई लड़का नौकरी करता है, करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, कोई लड़का जॉब करता है। लेकिन मैं 100% और बोल सकता हूँ कि 85-80% तक नौकरी करते पब्लिक, 85% तक। मेरा असूल है कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करना बुरी बात नहीं है, असूल है कि नौकरी। लेकिन नौकरी कितने जान को मैं देखा हूँ कि कोई भी नौकरी से खुश रहता नहीं है, लेकिन नौकरी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, नौकरी ऐसा करो, अब नौकरी के साथ साथ आप एंजॉय भी कर सको, मतलब घूम भी सको, अच्छा से करो, अपना घर परिवार के साथ में अच्छा से दिन निकाल सको, टाइम पास कर सको अपना। किसी किसी को तो मैं इतना देखा हूँ कि दो दो हफ्ते घर पे नहीं आते हैं। नौकरी ऐसा होनी चाहिए आपका कि अपने घर के परिवार के साथ में कहीं घूमने जाओ, अच्छा से एंजॉय करो, नौकरी भी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी कर रहे हो करना ही छोड़ दो, नौकरी भी करो। क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है फिर भी वो नौकरी करने आता है, क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट। तो नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको। बिजनेस स्टार्ट नौकरी, देखिए फिर भी मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ 20 इयर्स, क्योंकि फिर भी 20 इयर्स से स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी वो कर सकते हैं 40 या 45 इयर्स, राइट। स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा, अगर 45 या 40 में नौकरी कर सकता है, राइट। तो कुछ ऐसा काम करो ना कि मैं नौकरी के साथ साथ ही मैं कुछ और कुछ कर सकूँ, कुछ ऐसा नहीं। कितने जन तो रुक जाते हैं नौकरी के साथ, एक एवरेज अगर 70 इयर्स जो मैं बोला, 70 इयर्स में आप मान के चलिए, कोई कोई तो 45-50 में ऐसा लगता है कि कितने साल के बूढ़े हैं, कोई कोई जितना हटक हटर में 80-85 रहते तो भी हटक हटा दिखते हैं, क्यों? कोई कोई जितना सब अपना दिमाग का खेल है, कोई क्यों नौकरी, कोई जॉब या कोई बिजनेस,
नौकरी एक समान नहीं होता, सब अलग अलग है। बिजनेस नौकरी भी सही है, सही भी है, नहीं भी है। 95% नौकरी से कोई भी खुश नहीं रहता है, जॉब से कोई भी खुश नहीं रहता है। 95% ये मेरा असूल है, मुझे ये इतना मैं मेरे हिसाब से पता चलता है असूल। तो आप नौकरी को गलत मत मानिए, बिजनेस भी अच्छा है, पर अच्छा जिसके लिए उसके लिए तो अच्छा ही है। अब जो करना है करो, आपके लाइफ है, आप डिसीजन आप ले सकते हो। अब क्या करना चाहते हो आपके हाथ में, आपके लाइफ है, ये तो किसी और को नहीं बात पता चल सकता है ना, या मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है ना। अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे भाई को पता है, मेरे पिताजी को पता है, या मेरी मम्मी को पता है, ये तो बोल नहीं सकते ना। तो लाइफ अपने हाथ में होता है, तो कोशिश करो कि हैप्पीनेस रहने की, कोशिश करो घर परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में दिन काटने के लिए, कोशिश करो खुश रहने के लिए, घर कोशिश करो कि मैं इतना अच्छा से कुछ कर सकूं, कोशिश करो कि बहुत कुछ पाने के लिए। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, बहुत ये मेरा असूल है। कोशिश करना अपना काम है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी करने वाला इंसान कर जाता है, नहीं करने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ये सबको पता है। करने वाला अगर कुछ कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं वो करने वाला रहेगा, ये सब कर जाएगा। अगर नहीं करने वाला है तो टाइम पास वो करते ही रह जाएगा। अगर वो टाइम पास करते करते अगर कुछ और कुछ करना चाहते हो तो बंदा कर सकता है, वो करेगा नहीं, बस बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, टालने पे टालने, बस टाइम पास करेगा नहीं, बस बहाने पे। इसलिए बोला जाता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। इसलिए जिंदगी क्या है, कोशिश करने वाले जिंदगी कुछ नहीं है, बस जीने पीने की है जिंदगी। कोशिश करने वाले क्या कुछ बनाओगे या लेके जाओगे क्या, बस हैप्पीनेस रहो ना, खुश रहो ना। क्या कुछ बनाओगे या भगवान दो पैर देता है चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के लिए पीने के लिए, आँख देता है देखने के लिए चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के, दिमाग देता है सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए। तो सोचो ना, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका, बड़ा कुछ करने आपका लग रहा है, मेरे लग रहा है, सोचो ना। चलिए ज्यादा वीडियो में बात लग रहा है आपका, करना भी अच्छी बात नहीं है। जय जय भारत, चलिए ज्यादा खुश रहो, बात लग रहा है, हमें सपोर्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। चलिए इंडिया में रहने वाले को एवरेज है 70 इयर्स, मगर फिर भी इंडिया में रहने वाले कौन कब तक जिएगा किसी को नहीं पता, पर फिर भी हम लोग ये वीडियो में पकड़ लेते हैं एवरेज 70 इयर्स, 70 साल, पर फिर भी हम लोग क्या गारंटी है कि 70 साल ही जिंदे रहते हैं, 70 से हो जाते हैं, फिर भी हम किसी को वही नहीं पता। मगर फिर भी हम लोग वीडियो में सब कुछ बात बताऊंगा, सुन के आपको बहुत सी नहीं पता, मगर इस वीडियो में आप बने रहिए। फिर भी आप मान लीजिए 70 साल, एक बच्चे का उम्र होता है कितना, 1 ईयर, 2 ईयर, मिनिमम 20 ईयर, 20 ईयर, 1 ईयर। अगर 20 साल में अगर स्कूल से निकलता है, चाहे कॉलेज से निकलता है, तो अपना करियर स्टार्ट करता है। अगर
करियर स्टार्ट करता है, अगर उसका पढ़ाई हो जाता है तो अपना करियर पूरी तरह से स्टार्ट कर लेता है। कोई लड़का बिजनेस करता है, कोई लड़का नौकरी करता है, कोई लड़का जॉब करता है। लेकिन मैं 100% और बोल सकता हूँ कि 85-80% तक नौकरी करते पब्लिक, 85% तक। मेरा असूल है कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करना मेरी बात नहीं है, असूल है कि लेकिन नौकरी कितने जान को मैं देखा हूँ कि कोई भी नौकरी से खुश रहता नहीं है। लेकिन नौकरी तो मेरे कहने का मतलब ये है, नौकरी ऐसा करो अब नौकरी के साथ साथ आप इंजॉय भी कर सको, मतलब घूम भी सको, अच्छा से अपना घर परिवार के साथ में अच्छा से दिन निकाल सको, टाइम पास कर सको। अपना किसी किसी को मैं इतना देखा हूँ कि दो दो हफ्ते घर पे नहीं आते हैं। तो नौकरी ऐसा होनी चाहिए आपका कि अपने घर के परिवार के साथ में कहीं घूमने जाओ, अच्छा से इंजॉय करो, नौकरी भी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी कर रहे हो करना ही छोड़ दो, नौकरी भी करो। क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है फिर भी वो नौकरी ही करने आता है। क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट, नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बिजनेस स्टार्ट नौकरी, देखिए फिर भी मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ 20 ईयर्स, देखिए फिर भी 20 ईयर्स से स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी वो कर सकते हैं 40 या 45 ईयर्स, राइट। स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा, अगर 45 या 40 में नौकरी कर सकता है, राइट। तो कुछ ऐसा काम करो ना कि मैं नौकरी के साथ साथ ही मैं कुछ और कुछ कर सकूँ, कुछ ऐसा नहीं। कितने जन तो रुक जाते हैं मैं नौकरी के साथ, एक एवरेज अगर 70 ईयर्स जो मैं बोला 70 ईयर्स में आप मान के चलिए, कोई कोई तो 45-50 में ऐसा लगता है कि कितने साल के बूढ़े हैं। अब कोई कोई जितना हटा कटा के 80-85 रहते तो भी हटा सारा दिखते हैं, क्यों? अब कोई कोई जितना सब अपना दिमाग का खेल है, कोई क्यों नौकरी कोई जॉब या कोई बिजनेस, क्यों नौकरी एक समान नहीं होता, सब अलग अलग है। बिजनेस नौकरी भी सही है, सही भी है नहीं भी, सब अलग अलग। 95% नौकरी से कोई भी खुश नहीं रहता है, जॉब से कोई भी खुश नहीं रहता है, ये मेरा असूल है। मुझे ये इतना मैं मेरे हिसाब से पता चलता है असूल। तो आप नौकरी को गलत मत मानिए, बिजनेस भी अच्छा है, पर अच्छा जिसके लिए उसके लिए तो अच्छा ही है। अब जो करना है करो, आपके लाइफ है, आप डिसीजन आप ले सकते हो, अब क्या करना चाहते हो आपके हाथ में, आपके लाइफ है ये तो किसी और को नहीं बात पता चल सकता है ना, या मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है ना, किसी और को नहीं बात। अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे भाई को पता है, मेरे पिताजी को पता है, या मेरी मम्मी को पता है, ये तो बोल नहीं सकते ना। तो लाइफ अपने हाथ में होता है, तो कोशिश करो कि हैप्पीनेस रहने की, कोशिश करो घर परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में दिन काटने के लिए, कोशिश करो खुश रहने के लिए, घर कोशिश करो कि मैं इतना अच्छा से कुछ कर सकूं, कोशिश करो कि बहुत कुछ पाने के लिए। कुछ कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, बहुत ये मेरा असूल है। कोशिश करना अपना काम है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी करने वाला इंसान कर जाता है, नहीं करने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ये सबको पता है। करने वाला अगर कुछ कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं वो करने वाला रहेगा, सब कर जाएगा। अगर नहीं करने वाला है तो टाइम पास वो करते ही रह जाएगा। अगर वो टाइम पास करते करते अगर कुछ और कुछ करना चाहते हो तो बंदा कर सकता है, वो करेगा नहीं, बस बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, टालने पे टालने, बस टाइम पास करेगा बस बहाने पे। लेकिन इसलिए बोला जाता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। इसलिए जिंदगी क्या है, कोशिश करने वाले, जिंदगी कुछ नहीं है, बस जीने पीने की है जिंदगी। कोशिश करने वाले क्या कुछ बनाओगे, क्या लेके जाओगे, क्या बस हैप्पीनेस रहो ना, खुश रहो ना। क्या कुछ बनाओगे, क्या भगवान दो पैर देता है चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के लिए पीने के लिए, आँख देता है देखने के लिए चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के, दिमाग देता है सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए। तो सोचो ना, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका, बड़ा कुछ करने आपका लग रहा है, मेरा लग रहा है, सोचो ना। चलिए ज़्यादा वीडियो में बात लग रहा है आपका, करना भी अच्छी बात नहीं है। जय जय भारत, चलिए ज़्यादा खुश रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। चलिए।
इंडिया में रहने वाले को एवरेज है 70 ईयर्स, मगर फिर भी इंडिया में रहने वाले कौन कब तक जिएगा किसी को नहीं पता, पर फिर भी हम लोग ये वीडियो में पकड़ लेते हैं एवरेज 70 ईयर्स, 70 साल, पर फिर भी हम लोग क्या गारंटी है कि 70 साल ही जिंदे रहते हैं 70 साल, फिर भी हम किसी को वही नहीं मानते, मगर फिर भी हम लोग इस वीडियो में ये सब कुछ बात बताऊंगा सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, मगर इस वीडियो में आप बने रहिए, फिर भी आप मान लीजिए 70 साल, एक बच्चे का उम्र होता है कितना, 1 ईयर, 2 ईयर, मिनिमम 20 ईयर, 20 ईयर, 1 ईयर, अगर 20 साल में अगर बीस स्कूल से निकलता है चाहे कॉलेज से निकलता है तो अपना करियर स्टार्ट करता है, अगर करियर स्टार्ट करता है अगर उसका पढ़ाई हो जाता है तो अपना करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, करियर स्टार्ट करता है, कोई लड़का बिजनेस करता है, कोई लड़का नौकरी करता है, करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, कोई लड़का जॉब करता है, लेकिन मैं 100% और बोल सकता हूँ कि 85-80% तक नौकरी करते हैं पब्लिक, 85% तक मेरा असूल है कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करना मेरी बात नहीं है, असूल है कि नौकरी, लेकिन नौकरी कितने जान को मैं देखा हूँ कि कोई भी नौकरी से खुश रहता नहीं है, लेकिन नौकरी तो मेरे कहने का मतलब ये है नौकरी ऐसा करो अब नौकरी के साथ साथ आप इंजॉय भी कर सको, मतलब घूम भी सको अच्छा से, अपना घर परिवार के साथ में अच्छा से दिन निकाल सको, टाइम पास कर सको अपना, किसी किसी को मैं इतना देखा हूँ कि दो दो हफ्ते घर पे नहीं आते हैं, तो नौकरी ऐसा होनी चाहिए आपका कि अपने घर के परिवार के साथ में कहीं घूमने जाओ, अच्छा से इंजॉय करो, नौकरी भी करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी कर रहे हो करना ही छोड़ दो, नौकरी भी करो, क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट करता है अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है फिर भी वो नौकरी करने आता है, क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट, नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, नौकरी देखिए फिर भी मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ 20 ईयर्स, देखिए फिर भी 20 ईयर्स से स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी वो कर सकते हैं 40 या 45 ईयर्स, राइट, स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा, अगर 45 या 40 में नौकरी कर सकता है राइट, तो कुछ ऐसा काम करो ना कि मैं नौकरी के साथ साथ ही मैं कुछ और कुछ कर सकूँ, कुछ ऐसा नहीं, कितने जन तो रुक जाते हैं मैं नौकरी के साथ, एक एवरेज अगर 70 ईयर्स जो मैं बोला 70 ईयर्स में आप मान के चलिए, कोई कोई तो 45-50 में ही ऐसा लगता है कि कितने साल के बूढ़े हैं, कोई कोई जितना हटा कटा 80-85 रहते तो भी हटा कटा दिखते हैं, क्यों कोई कोई जितना सब अपना दिमाग का खेल है, कोई क्यों नौकरी कोई जॉब या कोई बिजनेस नौकरी एक समान नहीं होता, सब अलग अलग है, बिजनेस नौकरी भी सही है, सही भी है नहीं भी, सब अलग अलग है, 95% नौकरी से कोई भी खुश नहीं रहता है, जॉब से कोई भी खुश नहीं रहता है, 95% ये मेरा असूल है, मुझे ये इतना मैं मेरे हिसाब से पता चलता है असूल, तो आप नौकरी को गलत मत मानिए, बिजनेस भी अच्छा है पर अच्छा जिसके लिए उसके लिए तो अच्छा ही है, अब जो करना है करो, आपके लाइफ है, आप डिसीजन आप ले सकते हो, अब क्या करना चाहते हो आपके हाथ में, आपके लाइफ है ये तो किसी और को नहीं बात पता चल पता चल सकता है ना, या मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है ना, किसी और को नहीं पता, अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे भाई को पता है, मेरे पिताजी को पता है, या मेरी मम्मी को पता है, ये तो बोल नहीं सकते ना, तो लाइफ अपने हाथ में होता है, मम्मी को पता है, तो कोशिश करो कि हैप्पीनेस रहने की, कोशिश करो घर परिवार के साथ में फैमिली के साथ में दिन काटने के लिए, कोशिश करो खुश रहने के लिए, घर कोशिश करो कि मैं इतना अच्छा से कुछ कर सकूं, कोशिश करो कि बहुत कुछ पाने के लिए, अच्छा से कुछ कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, बहुत ये मेरा असूल है, कोशिश करना अपना काम है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी करने वाला इंसान कर जाता है, नहीं करने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ये सबको पता है, करने वाला अगर कुछ कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं वो करने वाला रहेगा कर जाएगा, अगर नहीं करने वाला है तो टाइम पास वो करते ही रह जाएगा, अगर वो टाइम पास करते करते अगर कुछ और कुछ करना चाहते हो तो बंदा कर सकता है, वो करेगा नहीं, बस बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, टालने पे टालने, बस टाइम पास करेगा नहीं, बस बहाने पे, इसलिए बोला जाता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, इसलिए जिंदगी क्या है, कोशिश करने वाले जिंदगी कुछ नहीं है, बस जीने पीने की जिंदगी, कोशिश करने वाले
क्या आप कुछ बनाओगे तो क्या लेके जाओगे क्या? बस हैप्पीनेस रहो ना, खुश रहो ना, क्या आप कुछ बनाओगे तो क्या? भगवान दो पैर देता है चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के लिए पीने के लिए, आँख देता है देखने के लिए चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के, दिमाग देता है सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए। तो सोचो ना, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका? बड़ा कुछ करने आपका लग रहा है, मेरा लग रहा है। सोचो ना, चलिए ज्यादा वीडियो में बात लग रहा है आपका, करना भी अच्छी बात नहीं है। जय जय भारत। चलिए ज्यादा खुश रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। चलिए। इंडिया में रहने वाले को एवरेज है 70 इयर्स, मगर फिर भी इंडिया में रहने वाले कौन कब तक जिएगा किसी को नहीं पता, मगर फिर भी हम लोग ये वीडियो में पकड़ लेते हैं एवरेज 70 इयर्स, 70 साल। मगर फिर भी हम लोग क्या गारंटी है कि 70 साल ही जिंदे रहते हैं, 70 से हो जाते हैं, किसी को भी नहीं पता। मगर फिर भी हम लोग वीडियो में सब कुछ बात बताऊंगा, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, मगर इस वीडियो में आप बने रहिए। फिर भी आप मान लीजिए 70 साल, एक बच्चे का उम्र होता है कितना? 1 ईयर, 2 ईयर, मिनिमम 20 ईयर, 20 ईयर, 1 ईयर। अगर 20 साल में अगर इस स्कूल से निकलता है चाहे कॉलेज से निकलता है तो अपना करियर स्टार्ट करता है, अगर करियर स्टार्ट करता है, अगर उसका पढ़ाई हो जाता है तो अपना करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, करियर स्टार्ट करता है। कोई लड़का बिजनेस करता है, कोई लड़का नौकरी करता है, करियर पूरी तरह से स्टार्ट करता है, कोई लड़का जॉब करता है, कोई लड़का नौकरी। मैं 100% कोई और बोल सकता हूँ कि 85-80% तक और नौकरी करते पब्लिक, 85% तक मेरा असूल है कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करना मेरी बात नहीं है, असूल है कि नौकरी, लेकिन नौकरी कितने जान को मैं देखा हूँ कि कोई भी नौकरी से खुश रहता नहीं है, लेकिन नौकरी तो मेरे कहने का मतलब ये है नौकरी ऐसा करो अब नौकरी के साथ साथ आप एंजॉय भी कर सको, मतलब घूम भी सको अच्छा से, अपना घर परिवार के साथ में अच्छा से दिन निकाल सको, टाइम पास कर सको अपना। किसी किसी को मैं इतना देखा हूँ कि दो दो हफ्ते घर पे नहीं आते हैं, तो नौकरी ऐसा होनी चाहिए आपका कि अपने घर के परिवार के साथ में कहीं घूमने जाओ, अच्छा से एंजॉय करो, नौकरी भी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी कर रहे हो करना ही छोड़ दो, नौकरी भी करो, क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है फिर भी वो नौकरी करने आता है, क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट, नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बिजनेस स्टार्ट नौकरी, देखिए फिर भी मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ 20 इयर्स, देखिए फिर भी 20 इयर्स से स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी वो कर सकते हैं 40 या 45 इयर्स, राइट? स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा, अगर 45 या 40 में नौकरी कर सकता है, राइट? तो कुछ ऐसा काम करो ना कि मैं नौकरी के साथ साथ ही मैं कुछ और कुछ कर सकूँ, कुछ ऐसा नहीं, कितने जन तो रुक जाते हैं मैं नौकरी के साथ। एक एवरेज अपना 70 इयर्स जो मैं बोला, 70 इयर्स में आप मान के चलिए, कोई कोई तो 45-50 में ही ऐसा लगता है कि कितने साल के बूढ़े हैं, अब कोई कोई जितना हटा कटर 80-85 रहते तो भी हटा कटा दिखते हैं, क्यों? अब कोई कोई जितना सब अपना दिमाग का खेल है, कोई क्यों नौकरी, कोई जॉब या कोई बिजनेस, क्यों
नौकरी एक समान नहीं होता है, सब अलग अलग है। बिजनेस नौकरी भी सही है, सही भी है, नहीं भी है, सब अलग अलग है। 95% नौकरी से कोई भी खुश नहीं रहता है, जॉब से कोई भी खुश नहीं रहता है। 95% ये मेरा असूल है, मुझे ये इतना मैं मेरे हिसाब से पता चलता है असूल। तो आप नौकरी को गलत मत मानिए, बिजनेस भी अच्छा है, पर अच्छा जिसके लिए उसके लिए तो अच्छा ही है। अब जो करना है करो, आपके लाइफ है, आप डिसीजन आप ले सकते हो, अब क्या करना चाहते हो आपके हाथ में, आपके लाइफ है, ये तो किसी और को नहीं बात पता चल पता चल सकता है ना, या मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है ना, किसी और को नहीं बात। अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे भाई को पता है, मेरे पिताजी को पता है, या मेरी मम्मी को पता है, ये तो बोल नहीं सकते ना। तो लाइफ अपने हाथ में होता है, तो कोशिश करो कि हैप्पीनेस रहने की, कोशिश करो घर परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में दिन काटने के लिए, कोशिश करो खुश रहने के लिए, घर कोशिश करो कि मैं इतना अच्छा से कुछ कर सकूं, कोशिश करो कि बहुत कुछ पाने के लिए। कुछ कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, बहुत ये मेरा असूल है। कोशिश करना अपना काम है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी करने वाला इंसान कर जाता है, नहीं करने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ये सबको पता है। करने वाला अगर कुछ कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं वो करने वाला रहेगा, डर जाएगा। अगर नहीं करने वाला है तो टाइम पास वो करते ही रह जाएगा। अगर वो टाइम पास करते करते अगर कुछ और कुछ करना चाहते हो तो बंदा कर सकता है, वो करेगा नहीं, बस बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, टालने पे टालने, बस टाइम पास करेगा नहीं, बस बहाने पे। इसलिए बोला जाता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। इसलिए जिंदगी क्या है, कोशिश करने वाले जिंदगी कुछ नहीं है, बस जीने पीने की है जिंदगी। क्या कुछ बनाओगे तो क्या लेके जाओगे क्या, बस हैप्पीनेस रहो ना, खुश रहो ना। क्या कुछ बनाओगे तो क्या, भगवान दो पैर देता है चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के लिए पीने के लिए, आँख देता है देखने के लिए चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के, दिमाग देता है सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए। तो सोचो ना, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका, बड़ा कुछ करने आपका लग रहा है, मेरा लग रहा है, सोचो ना। चलिए ज़्यादा वीडियो में बात लग रहा है आपका, करना भी अच्छी बात नहीं है। जय जय भारत, चलिए ज़्यादा खुश रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। चलिए। इंडिया में रहने वाले को एवरेज है 70 इयर्स, मगर फिर भी इंडिया में रहने वाले कौन कब तक जिएगा किसी को नहीं पता, पर फिर भी हम लोग ये वीडियो में पकड़ लेते हैं 70 इयर्स, 70 साल, पर फिर भी हम लोग क्या गारंटी है कि 70 साल ही जिंदे रहते हैं, 70 साल हो जाते हैं, फिर भी हम किसी को भी नहीं पता, मगर फिर भी हम लोग वीडियो में सब कुछ बात बताऊंगा, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, मगर इस वीडियो में आप बने रहिए। फिर भी मान लीजिए 70 साल, एक बच्चे का उम्र होता है कितना, 1 ईयर, 2 ईयर, मिनिमम 20 ईयर, 20 ईयर, 1 ईयर। अगर 20 साल में अगर एक 20 स्कूल से निकलता है, चाहे कॉलेज से निकलता है, तो अपना करियर स्टार्ट करता है। अगर
करियर स्टार्ट करता है, अगर उसका पढ़ाई हो जाता है तो अपना करियर पूरी तरह से स्टार्ट कर करियर स्टार्ट करता है। कोई लड़का बिजनेस करता है, कोई लड़का नौकरी करता है, करियर पूरी तरह से स्टार्ट कर करियर, कोई लड़का जॉब करता है। कि मैं 100% और बोल सकता हूँ कि 85% तक नौकरी करते पब्लिक, 85% तक। मेरा असूल है कि नौकरी करो, नौकरी करना मेरी बात नहीं है, असूल है कि लेकिन नौकरी कितने जान को मैं देखा हूँ कि कोई भी नौकरी से खुश रहता नहीं है। लेकिन नौकरी तो मेरे कहने का मतलब ये है, नौकरी ऐसा करो आप नौकरी के साथ साथ आप इंजॉय भी कर सको, मतलब घूम भी सको, अच्छा से अपना घर परिवार के साथ में अच्छा से दिन निकाल सको, टाइम पास कर सको अपना। किसी को मैं इतना देखा हूँ कि दो दो हफ्ते घर पे नहीं आते हैं। तो नौकरी ऐसा होनी चाहिए आपका कि अपने घर के परिवार के साथ में कहीं घूमने जाओ, अच्छा से इंजॉय करो, नौकरी भी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो भी कर रहे हो करना ही छोड़ दो, नौकरी भी करो। क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट करता है अगर बिजनेस में नुकसान हो जाता है फिर भी वो नौकरी करने आता है, क्यों कोई बिजनेस स्टार्ट, नौकरी कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बिजनेस स्टार्ट नौकरी, क्योंकि फिर भी मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ 20 ईयर्स, क्योंकि फिर भी 20 ईयर्स से स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी वो कर सकते हैं 40 या 45 ईयर्स, राइट। स्टार्ट करेगा नौकरी तो ज़्यादा, अगर 45 या 40 में नौकरी कर सकता है, राइट। तो कुछ ऐसा काम करो ना कि मैं नौकरी के साथ साथ ही मैं कुछ और कुछ कर सकूँ। नहीं कितने जन तो रुक जाते हैं मैं नौकरी के साथ, एक एवरेज अगर 70 ईयर्स जो मैं बोला 70 ईयर्स में आप मान के चलिए, कोई कोई तो 45-50 में ऐसा लगता है कि कितने साल के बूढ़े हैं। अब कोई कोई जितना हटा कटा 80-85 रहते तो भी आटा साटा दिखते हैं, क्यों? अब कोई कोई जितना सब अपना दिमाग का खेल है, कोई क्यों नौकरी, कोई जॉब या कोई बिजनेस, क्यों नौकरी एक समान नहीं होता, सब अलग अलग। बिजनेस नौकरी भी सही है, सही भी है नहीं भी है, सब अलग अलग। 95% नौकरी से कोई भी खुश नहीं रहता है, जॉब से कोई भी खुश नहीं रहता है, 95% ये मेरा असूल रहता है, मुझे ये इतना मैं मेरे हिसाब से पता चलता है असूल। तो आप नौकरी को गलत मत मानिए, बिजनेस भी अच्छा है, पर अच्छा जिसके लिए उसके लिए तो अच्छा ही है। अब जो करना है करो, आपके लाइफ है, आप डिसीजन आप ले सकते हो, अब क्या करना चाहते हो आपके हाथ में, आपके लाइफ है ये तो किसी और को नहीं बात पता चल सकता है ना, या मुझे जो करना है वो मुझे मालूम है ना, किसी और को नहीं बात। अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे भाई को पता है, मेरे पिताजी को पता है, या मेरी मम्मी को पता है, ये तो बोल नहीं सकते ना। तो लाइफ अपने हाथ में होता है, या मेरी मम्मी को पता है। तो कोशिश करो कि हैप्पीनेस रहने की, अपने हाथ में कोशिश करो घर परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में दिन काटने के लिए कोशिश करो, खुश रहने के लिए घर कोशिश करो कि मैं इतना अच्छा से कुछ कर सकूं, कोशिश करो कि बहुत कुछ पाने के लिए। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, बहुत ये मेरा असूल है। कोशिश करना अपना काम है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी करने वाला इंसान कर जाता है, नहीं करने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ये सबको पता है। करने वाला अगर कुछ कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं वो करने वाला रहेगा, ये सब कर जाएगा। अगर नहीं करने वाला है तो टाइम पास वो करते ही रह जाएगा। अगर वो टाइम पास करते करते अगर कुछ और कुछ करना चाहते हो तो बंदा कर सकता है, वो करेगा नहीं, बस बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, टालने पे टालने, बस टाइम पास करेगा नहीं, बस बहाने पे। इसलिए बोला जाता है कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। इसलिए जिंदगी क्या है, कोशिश करने वाले जिंदगी कुछ नहीं है, बस जीने पीने की है जिंदगी। कोशिश करने वाले क्या कुछ बनाओगे या लेके जाओगे क्या, बस हैप्पीनेस रहो ना, खुश रहो ना। क्या कुछ बनाओगे या भगवान दो पैर देता है चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के लिए पीने के लिए, आँख देता है देखने के लिए चलने के लिए, दो हाथ देता है खाने के, दिमाग देता है सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए। तो सोचो ना, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका, बड़ा कुछ करने आपका लग रहा है, मेरा लग रहा है, सोचो ना। चलिए ज़्यादा वीडियो में बात लग रहा है आपका, करना भी अच्छी बात नहीं है। जय जय भारत, चलिए ज़्यादा खुश रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, चलिए।